नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने राजनिवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान श्री पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बिरसा मुंडा की जयंती से लेकर कंगना रणावत के दिए गए आजादी के बयान को भी जमकर आड़े हाथ लिया। श्री पटेल ने कहा कि हमारा चरित्र, नीति और इरादा क्या है यह निर्भर करता है। किसी की जयंती मनाने से हम उसके अनुयायी नहीं हो जाते। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है, जिसके द्वारा गरीब किसान शोषित को लूटा जा रहा है। अगर प्रजातंत्र संविधान को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना होगा। आइए सुनाते हैं राजमणि पटेल ने क्या कहा और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। इधर मंत्री, प्रधानमंत्री सर कहते हैं कि नहीं, खाद की कोई कमी नहीं है। यदि खाद की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद अगर किसान खाद के बने जूझ रहा है, वो प्राइवेट हाथों में लूट रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी है। कहीं ना कहीं आपने पूंजीपतियों को आश्रय दिया है, जिस वजह से किसान का जो हिस्सा है खाद का, किसान के पास नहीं पहुंच पा रहा है और वो ब्लैक में खाद लेने के लिए विवश हो रहा है। तो दोनों तरफ खाद उपलब्ध है, लेकिन किसान के लिए नहीं है, व्यापारियों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है, जहाँ किसान का शोषण हो रहा है। तो ये किसान विरोधी सरकार है और गरीब विरोधी सरकार है, वनवासी विरोधी सरकार है। और अगर प्रजातंत्र को, संविधान को बचाना है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भारत से हटाना होगा। होगा कि एक एक्ट्रेस ने, आप सब लोगों ने सुना कि बयान दे दिया कि नहीं, वास्तव में आज़ादी 26 मई 2014 को मिली है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी हुए। और 1947 की आज़ादी माने ठीक है, वो आज़ादी है नहीं। और ऐसे कलाकार को मोदी जी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उसका जो है आप सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि जो हमारे त्याग और बलिदान का इतिहास है, जिन हमारे किसानों ने, गरीबों ने, वनवासियों ने जिस आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया, सीने पर गोलियां खाई, फांसी के तख्ते पर लटक गए, लाखों लाख लोगों की कुर्बानियाँ हुई, और उस कुर्बानी के बाद जो देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत में जो हमारी व्यवस्था मिला, हमें संविधान मिला, और हमें जो गरीब से गरीब है उसका हक अधिकार पाने का उसको अवसर मिला, उसके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा का वादा हुआ, जिस दिशा में सरकारी काम की गई, वो आज़ादी नहीं थी, भेंट थी। तो मोदी के दोनों तरफ आप सिद्ध कर रहे हो, अगर वो आज़ादी थी तो फिर 26 मई से आप शुरू करो आज़ादी मनाना, काहे के लिए भीख वाली आज़ादी मना रहे हो? इस देश की जनता को बताओ ना कि अगर वो भीख थी तो क्या भीख वाली आज़ादी तुम मना रहे हो? यह भीख वाली आज़ादी वो थी, सच्ची आज़ादी ये है 26 मई वाली, इसको फिर स्वतंत्रता दिवस मनाओ, इसको आज़ादी का दिवस मनाओ, जश्न मनाओ। तो इस तरह से टोटल भारतीय जनता पार्टी के है कि किस तरह से इस देश का माहौल बने कि इस देश का गरीब जो संविधान को समझने लगा है, अपना हक अधिकार समझने लगा है और अपना स्वाभिमान और सम्मान समझने लगा है, जिस माने हमारे पूर्वजों ने एक इतिहास बनाया कि जब ज़रूरत स्वाभिमान और सम्मान की आई तो उन्होंने रोटी को ठोकर मार दिया, स्वाभिमान और सम्मान को गले लगाया। केवल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से केवल ये चाहती है कि सारे संसाधनों पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए, पूंजीपति हुकूमत करे और इस देश का गरीब मजदूरी करे। देश दिशा में सारे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये सारे चीज़ों का कांग्रेस पार्टी हमेशा पुरजोर विरोध करती रही, विरोध कर रही है, और माने गांव-गांव में यात्राओं के माध्यम से जनता को जागृत कर रहे हैं कि जनता जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो जनता सबसे बड़ी ताकत प्रजातंत्र की जनता होती है। इसलिए जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जा रही है और इनकी कथनियों को कर रही है, और हमें निश्चित रूप से विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपनी औकात मालूम हो जाएगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।
खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।